वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है, लेकिन इस बीच चीन से एक और बुरी खबर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि यहां के एक शहर में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया है। इस बीमारी ने पहले भी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ली है। इस जानलेवा बीमारी का दुनिया में 3 बार अब तक हमला हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर से इस बीमारी के चीन में पनपने से हड़कंप मच गया है। तो आइए जानते हैं कोरोना संकट के बीच आई इस ब्यूबोनिक प्लेग बीमारी के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कैसे फैलती है और कितनी घातक है ये बीमारी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी चीन के बेयोनूर शहर में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ये बीमारी इंसान से इंसान में फैलने में सक्षम है, इसलिए कई और मामले सामने आने की आशंका है, जिसके चलते शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल प्लेग से संक्रमित व्यक्ति को अलग रखा गया है और उसकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। बेयोनूर शहर में ब्यूबोनिक प्लेग के मामले सामने आने के बाद लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने 2020 के अंत तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह बीमारी जंगली चूहों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया से होती है। इस बैक्टीरिया का नाम यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरियम है, जो शरीर के लिम्फ नोड्स, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। शरीर में कई जगहों पर सूजन आ जाती है। चूहों के मरने के बाद इस प्लेग का बैक्टीरिया पिस्सुओं के जरिए मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद जब पिस्सु इंसान को काटता है तो वह संक्रामक लिक्विड इंसानों के खून में छोड़ देता है। बस इसी के बाद इंसान संक्रमित होने लगता है। कुछ जानकारों का कहना है कि गिलहरी के जरिए भी यह वायरस इंसानों में फैल सकता है। आपको बता दें कि 6वीं और 8वीं सदी में इस प्लेग ने करीब 2.5 से 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी, जबकि 1347 में इसने यूरोप की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था। वहीं ब्यूबोनिक प्लेग ने 1894 में 80,000 लोगों को मारा था। तब इसका ज्यादातर असर हांगकांग के आसपास में देखने को मिला था। भारत में साल 1994 में 5 राज्यों में इस प्लेग के करीब 700 केस सामने आए थे। इनमें से 52 लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि दुनिया भर में ब्यूबोनिक प्लेग के 2010 से 2015 के बीच करीब 3200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 584 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सालों में ज्यादातर मामले कांगो, मेडागास्कर या पेरू में आए थे। इससे पहले यह बीमारी 1970 से लेकर 1980 तक भारत, रूस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी देशों में पाई गई थी। जाहिर है कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस को फैलाने का आरोप चीन पर लगातार लगता रहा है। ऐसे में ब्यूबोनिक प्लेग के चीन में फैलने की खबर से दुनिया सकते में है, क्योंकि कोरोना के बीच अगर ब्यूबोनिक प्लेग फैला तो दुनिया को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि चीन का कहना है कि इस प्लेग के लिए एंटीबायोटिक उसके पास मौजूद है, फिर भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे कोरोना संकट के बीच चीन में एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। इस बारे में क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस मसले से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।